गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन SS3 चैप्टर 15 एंड द चैप्टर नेम इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द अर्थ लाइक अदर प्लैनेट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. हम पहले भी बता चुके हैं कि अर्थ दूसरे प्लैनेट की तरह क्या करता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है, सूरज के चारों तरफ भी घूमता है. इट ऑल्सो revolves around the sun on its axis. Have you ever thought why in the same country some places get sunrise and sunset before others? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कंट्री में कुछ पार्ट में दिन होता है, कुछ पार्ट में रात होता है? Let we start about this. Rotation. Every day you see the sun in the sky. It seems to be moving across the horizon. It can be said the sun rises in the east and sun sets in the west. But it is actually the earth spinning from west to east. अब हम लोग हमेशा देखते हैं कि सूरज उगता है पूरब की तरफ से और पश्चिम में जाके डूब जाता है. तो इसमें सूरज नहीं मूव करता है. मूव कौन करता है? हमारा अर्थ, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होता है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट मूव होता है. इसीलिए जो हमारे सन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है, यानी कि अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस नोन एज रोटेशन. यानी पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पे घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन. इट टेक्स 24 आवर्स और वन डे फॉर द अर्थ टू कंप्लीट द वन रोटेशन. और पृथ्वी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर और यू कैन से वन डे. वन रोटेशन रोटेशन ऑन द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड मीन सोलर डे. एक रोटेशन को हम और क्या कहते हैं? मीन सोलर डे. If one looks down at the North Pole from space, he will see that the Earth is moving in a counterclockwise direction on its axis. और जब हम लोग नॉर्थ पोल पे जाकर के इसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है. From a distance in space, the Earth seems to rotate from left to right or west to east. और अगर हम उसको कहां से देखेंगे स्पेस से, तो हमें दिखाई देगा कि वो मूव करता है लेफ्ट से राइट या फिर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ. ओके, दैट इज व्हाई प्लेसेस लोकेटेड इन द ईस्ट हैव सन राइजेस अर्लियर देन प्लेसेस लोकेटेड इन द वेस्ट. यानी कि जो जिस प्लेस ईस्ट में जो प्लेसेस होते हैं वहां पे सनराइज जल्दी होता है और जहां पे वेस्ट है वहां पे सनराइज देर से होता है. वी डू नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट्स रोटेट्स बिकॉज द स्पीड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट that and we are moving along with it in the same speed. और हम लोग को स्पीड इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि हम लोग भी पृथ्वी के साथ घूमते हैं. इट इज द सेम एज वेन यू टेक स्मूथ राइड ऑन अ ट्रेन और अ प्लेन. और हमें जैसा कि हम ट्रेन में चलते हैं तो हमें स्पीड नहीं पता चलती है क्योंकि सेम ट्रेन में हम बैठ करके जाते हुए रहते हैं, इसलिए हमें जो गुजरने वाली चीजें उस वो देख के लगता है कि वो स्पीड में है. इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है? डे और नाइट. व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वन हाफ ऑफ हैज डे व्हाइल द अदर हाफ हैज नाइट. जब भी रोटेशन होता है तो क्या होता है? आधे पार्ट में दिन होता है और आधे पार्ट में रात. दिस इज बिकॉज वन पार्ट फेसेस द सन एंड हैड डे लाइट व्हाइल द अपोजिट साइड विच इज फॉर अवे फ्रॉम द सन इज इन डार्कनेस एंड एक्सपीरियंस नाइट. जो फेस सूरज की तरफ होता है वहां पे दिन होता है, जो फेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है वहां पे क्या होता है? रात होता है. द अर्थ कम्प्लीट वन रोटेशन एज यू नो इन 24 आवर्स. दिस डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ड्यूरेनल मोशन. इस डेली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ड्यूरेनल मोशन. हैव अ लुक एट द गिवन फिगर. द सन रेज हैव लिट अप द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेयर इट इज डे while the eastern hemisphere is the darkness and has night. जो white वाला area in this figure you can see white area is day area and darker area is night. The imaginary line between day and night is referred to as the circle of illumination. ये जो imaginary line है इसी को हम क्या कहते हैं? Circle of illumination. When you see a faint light on the horizon before the sun actually comes into view, it is dawn or sunrise. जब हम देखें सनराइज यानी कि सूरज की रोशनी धीरे धीरे निकलना शुरू होती है तो उससे हम क्या कहते हैं? डॉन और सनराइज. सिमिलरली व्हेन द सन हैज गॉन बिलो ओरिजन बट यू कैन स्टिल इट्स लाइट इज ट्विलाइट और सनसेट. और जब ये सूरज जब ये वेस्ट साइड में जाती है तो क्या होता है? ट्विलाइट होता है यानी कि डॉन होता है, शाम का टाइम होता है. ओके, टाइड्स. टाइड्स आर ऑल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ द अर्थ
रोटेशन जो टाइड्स फॉर्म होता है ओशियंस में, वो भी किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण. द वॉटर लेवल राइजेस एंड फॉल्स डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. और अलग अलग टाइम में अलग अलग जो पानी लेवल होता है ओशियंस का, वो उठता है और नीचे गिरता है. व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवर हेड, इट ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द वॉटर इन द ओशियन एंड कॉज द वॉटर राइज. और जब एकदम ऊपर, सर के ऊपर होता है जब मून, तो क्या करता है, पानी को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी तरफ खींचता है, जो ये होता है कि पानी ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाई टाइड. दिस इज कॉल्ड हाई टाइड. इसी को हम क्या कहते हैं, हाई टाइड. व्हेन द मून इज एट इन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. और जब पानी, सॉरी, जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है वो मून से बहुत दूरी पे होता है, तब वहां पे क्या होता है, लेवल रिसेट, जो पानी का लेवल होता है वो कम होता है. दिस इज कॉल्ड लो टाइड. उसी को हम क्या कहते हैं, लो टाइड. दिस मूवमेंट टेक्स प्लेसेस ट्विस अ डे. और ये मूवमेंट कितनी बार में होता है, दो बार होता है एक दिन में. ओके, नाउ रेवोल्यूशन. अलॉन्ग विथ रोटेशन द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेम टाइम. पृथ्वी अपने धुरी पे घूमने के साथ साथ सूरज के चारों तरफ भी घूमती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. यानी पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन. द पीरियड दैट द अर्थ टेक टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर. और जितने देर में वो सूरज के चारों तरफ घूमता है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, एक साल. और 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds. दिस मच टाइम अर्थ टेक टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन. This amount to about 1/4 day more than the 65 calendar days that we follow in a year. यानि कि एक साल में 365 days होते हैं, और ये जो 6 hours मिलते हैं वो every 4 years में वो 1 day हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, leap year. Okay? This extra time is made up every 4 years by adding one more day to the month of February. इसी को हम एक दिन add कर देते हैं. This is how we have लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 years. इसीलिए हमारा प्रत्येक 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर. व्हेन देयर आर 29 days इन फरवरी, जिससे क्या होता है कि फरवरी में 29 days होते हैं. ओके, द अर्थ रिवॉल्व, द सन इज एन ओवल और एलिप्टिकल पाथ, सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरीज ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन. और जो सन और अर्थ के बीच में जो रेवोल्यूशन होता है वो एलिप्टिकल फॉर्म में होता है, यानी कि कहीं पे दूरी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. सम टाइम इट इज क्लोजर टू द सन देन अदर टाइम्स फॉर. और कभी कभी ये सूरज के नजदीक होता है, कभी कभी दूर होता है. व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन अराउंड 3 जनवरी, दैट इज नोन एज पेरिहेलोन. 3 जनवरी को जब सूरज के नजदीक होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिहेलोन. द पॉइंट वेयर द सन अर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन अराउंड 4 जुलाई इज कॉल्ड एपिहेलोन. और 4 जुलाई को ये सूरज से सबसे दूर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिहेलोन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड योर होमवर्क इज रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके, हैव अ गुड डे.